हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। आज है बार जो है वीरवार। हमारी जो है क्लीनिंग घर की हो चुकी है। रजाइयाँ देखिए, चार बंदे हैं तो हम कितनी रजाइयाँ और कंबल लेते हैं। डबल डबल रजाई जो है हम लेते हैं सारे। तो घर की क्लीनिंग जो है हो चुकी है और लाइट्स जो है सभी रूम में ऑन ही है। मैं इसको बंद कर लेती हूँ। तो आज जो है मैंने खिड़कियाँ खोल दी। अंदर जो है बहुत मॉइस्चर बन रखी थी खिड़कियों के शीशों पे, तो मैंने अब इनको थोड़ी देर के लिए खुला रखा ताकि जो है हमारी जो है अंदर की मॉइस्चर उड़ जाए। फिर मैं इनको थोड़ी देर बाद बंद कर लूँगी। ये मैंने खिड़कियाँ खोल दी है, बाहर से जो लाइट पड़ रही है। ये क्या कर रही है? क्या सिल रही है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब बाद में क्या चीज है? जब तैयार हो जाएगा। ये मशीन पे बैठी है, स्टैंडिंग मशीन है जो मेरी, उस पे रिया बैठी हुई है तो कुछ सिल रही है। आज कोहरा इतना ज्यादा पड़ा हुआ है, पूरा सफेद सफेद हो गया है। कम से कम पूरी जो है जगह पर इतना कोहरा है, बहुत ही ज्यादा। मोहित तो दूध को जा रहा था उस टाइम, गिर भी गया नीचे। इतना है पैर, जैसे भी रखना नीचे तो एकदम से फिसल रहा है बंदा। तो इतना ज़्यादा कोहरा है और ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये ठंड जो है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मुंह से देखिए, अगर सांस को हम बाहर को फूंक मारेंगे तो धुआं ही निकल रहा है। ये देखिए धुएं की तरह निकल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड। तो आज हम साग और पनीर बनाने जा रहे हैं। साग जो हमने अच्छे से पहले पका लिया था। ये जो डिश बना रहे हैं हम, ये चूल्हे पे बना रहे हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी मेथी। तेल घी जो है मेरा अच्छे से गर्म हो चुका था और अब डालूंगी मैं इसमें धनिया। क्रश करना है आधा दिन। ये डाल दिया मैंने धनिया। और अब जो मैंने इसकी जो है प्यूरी बनाई है, प्याज और प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया हुआ है मिक्सर जार में। तो अब डाल लेंगे इसको उसके अंदर। और अब डालेंगे इसमें जो पिसी हुई और पहले मिर्च है उसको डालेंगे और इसको अब अच्छे से मिला लेंगे। अब इस मसाले को जो है थोड़ा देर भूनने देंगे, जब तक ये हमारा अच्छे से भून के तैयार ना हो गया तब तक इसको भूनते रहेंगे। अब जो है हमारा तड़का लगभग हो ही चुका है। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें साग, ऐड करेंगे इसमें साग। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। फायदे 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 पूरा। जो है इस तड़के को इसमें पूरे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे और अब ऐड करेंगे इसमें जो है पनीर, कट करके रखा हुआ था ये साग ही है, उसको डालेंगे इसके अंदर और फिर अच्छे से जो है हम मिला लेंगे। और ये होगी मेरी पालक पनीर की प्लेटिंग। आइए अब खाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।